हे फ्रेंड्स, आज हम एनएक्स ऑडियो एमपीसी 5000 न्यू के थोड़े फीचर्स देखेंगे। पहले हम इसमें सीडी प्लेयर में सीडी प्ले करके देखेंगे। ये प्लेयर के अंदर हमें सीडी और दो यूएसबी के ऑप्शंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीडी वन, यूएसबी वन एंड यूएसबी टू। यूएसबी वन सीडी प्लेयर के फ्रंट में है, एंड यूएसबी टू सीडी प्लेयर के बैक साइड में है। इसमें हमें 100% पिच स्लाइडर दिया हुआ है। पिच बैंड, टैप बीपीएम 100% के लिए आप पिच सिलेक्शन कर सकते हो, 4%, 8%, 16%, 100%। की लॉक, ट्रैक सिलेक्शन नॉब, फोल्डर सर्च ऑप्शन के लिए आपको की दी हुई है। ट्रैक में आप रिवाइंड और फॉरवर्ड करने के लिए आपको की सिलेक्शन दिया हुआ है। इसमें प्ले, क्यू, लूप इन, आउट, रिलूप। जॉग मोड में आप सीडीजे मोड और विनाइल मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। जॉग व्हील, टाइम सेट करने के लिए आपको टाइम का स्विच दिया हुआ है। सिंगल और कंटिन्यू के लिए स्विच है। सोर्स सिलेक्शन के लिए, जैसे आपको सीडी वन, यूएसबी वन और यूएसबी टू, जो यूएसबी टू पीछे है वो आपको सिलेक्शन के लिए यहाँ पे की दी हुई है, और इजेक्ट। यही सेम फीचर्स दूसरे प्लेयर के लिए भी आपको सेम फीचर्स है। और यहाँ पे आप दोनों प्लेयर के बीच में एक रिले का आप ऑप्शन देख सकते हैं। अब हम सेकेंड प्लेयर में यूएसबी थ्रू प्ले करेंगे। यहाँ से सोर्स के जरिए आप यूएसबी वन जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक चैनल वन में सीडी के थ्रू प्ले करेंगे और सेकेंड प्लेयर में यूएसबी के थ्रू। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएसबी सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे सीडी, अब हम प्ले करके थोड़े फीचर्स चेक करेंगे। पिच स्लाइडर के जरिए आप गाने के पिच को फास्ट और स्लो कर सकते हैं। प्लस करने से आपके गाने की स्पीड फास्ट होगी। आप यहाँ पे परसेंट भी आपके उसके चेंज कर सकते हैं पिच के। ये अभी हम 4% से 8%, 16 और ये 100% तक हम चेक कर सकते हैं। अभी हम ये आपको 16% पे की ऑन करके दिखाएंगे, जिससे आपके गाने की स्पीड जो है वही लेवल पे रहेगी, लेकिन आपके वोकल की जो स्पीड है उसको आप कंट्रोल में ले सकते हैं। ये नॉर्मल में लेके जाएंगे हम। यहाँ पे आप विनाइल मोड सिलेक्ट करके इसे आप स्क्रैच भी कर सकते हैं।
सीडीजे मोड। आपको जहां से लूपिंग करना है आप वहां से लूप इन प्रेस करोगे तो आपका लूप स्टार्ट हो जाएगा। लूप इन, और जहां तक आपको लूप सेट करना है वहां तक प्ले होने देने के बाद आप आउट प्रेस करेंगे तो आपका लूप सेट हो जाएगा। रीलूप प्रेस करते ही आपके जो भी आपने जहां पे लूप सेट किया है वहीं से आपकी ट्रैक प्ले होगी। लूप आउट करने से आपकी ट्रैक आगे प्ले होना चालू हो जाएगी। अभी हम यूएसबी के थ्रू ट्रैक प्ले करेंगे। आप यूएसबी में भी जो हमने पहले फीचर्स देखे वही फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। ये प्लेयर का मेन फीचर जो है वो है कि आप एक ही यूएसबी के थ्रू दोनों प्लेयर में प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको यूएसबी 1 सिलेक्ट करना है और यहाँ पे भी यूएसबी 1 सिलेक्ट करना है, जिससे आप फ्रंट में दिए हुए यूएसबी को यूज कर सकते हैं, या आपको सीडी यूएसबी 1 या यूएसबी 2 जो भी आपको किसी भी प्लेयर में यूज करना है आप सेपरेटली उसे यूज कर सकते हैं।